हेलो दोस्तों, ये हमारा 2 टन का एसी है, नॉन इन्वर्टर। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बार बार ट्रिप कर रहा है। जैसे चल रहा है, 1 मिनट चल रहा है, कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है। तो हम ये आउटडोर पूरा खोल कर चेक करते हैं, और ये नॉन इन्वर्टर एसी है। 47 डिग्री आज का, हम 16 जून को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये आज का टेम्परेचर 47 है। तो ये गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रहा है। तो हम लोग रनिंग कैपेसिटर भी चेक करते हैं, और इसका प्रेशर भी चेक करते हैं क्या है, और इसका कंडेंसर चेक करते हैं, कोयल पीछे गंदा तो नहीं है। तो ये तो सही है, इसमें 55 का कैपेसिटर लगा है। तो ये तो भी पहले कैबिनेट खोल के जब पता चलेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये खोल रहे हैं, खोलने के बाद ये इसमें कॉन्ट्रेक्टर भी लगा हुआ है। ये अपने दानिश भाई है, मेरा हेल्पर है, काम वाम काफ़ी ज़्यादा करता है। ऊपर ये इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, इन्वर्टर एसी बढ़िया चल रहा है, नॉन इन्वर्टर नहीं चल रहा है इतनी गर्मी में। तो मान के चलिए कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जब ये नहीं चल रहा है। ये हमारा पूरा एसी खुल गया, अपने दानिश भाई ये नहीं खोल पा रहे। ये हमने तो ये हमारा एसी खोल दिया, कंप्रेसर बहुत, ये देख सकते हैं कितना गर्म है कंप्रेसर, इसका एकदम हीट हो रहा है। 2 मिनट चलता है, बंद हो जाता है, कूलिंग नहीं कर रहा था, यही प्रॉब्लम खोल दिए हैं अपने दानिश भाई है, खोल दिए हैं। लग रहा है कंडेंसर कॉइल भी बहुत ज़्यादा गंदा है होने की वजह से। बाकी अभी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद चेक करते हैं, कंडेंसर को ठंडा करते हैं अच्छे से, पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा पानी गर्म, और पानी डालने से ये पाइप ठंडा होता है, ये गर्म होता है, ये नॉर्मल हो जाएगा। गर्म बाद ए सी चलाएंगे और चेक करेंगे, इतना गर्म नहीं है, कूलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ये देख सकते हैं जैसे ही पानी डालने वैसे पानी सूख हो जा रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा ये हीट हो गया है। तो इस पर डालते हैं पानी, एकदम ठंडा चिल्ड पानी है, तो ये पानी डाल डाल कर इसको ठंडा करते हैं अच्छे से। धीरे धीरे अगर पानी कम हो तो इसको धीरे धीरे पानी इसमें डालें, तो पानी भी कम लगेगा और कंप्रेसर भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। यही है कि कंप्रेसर जब हीट हो जाए तो एसी को थोड़ी देर बंद कर दें, बंद करने के बाद आधा एक घंटे के बाद चलाएँ, और एसी हमेशा 25 पे चलाएँ, 25-26 पे, टेम्परेचर जब ज़्यादा हो तो, इसलिए कंप्रेसर में बैक प्रेशर बढ़ जाता है, कंप्रेसर भी हीट हो रहा है और कंप्रेसर ब्लास्ट भी हो रहा है। इसलिए आप लोग हमेशा 25 पे एसी चलाएं, 26 पे चलाएं। अब हमारा एसी एकदम ठंडा करने लगा हो गया, अब हम अंदर चलते हैं। हमने एसी को चला दिया, एसी चलाने के बाद हम तो कंप्रेसर है, ये भैया कह रहे थे कि इसमें रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो ये सेवर मोड प्रेस कर दिए थे इसलिए काम नहीं कर रहा था। अब ये देख सकते हैं कूलिंग आउटडोर स्टार्ट हो गया, कूलिंग एकदम बढ़िया कर रहा है, कस्टमर भी कह रहा है अब कूलिंग आ रही है। कंप्रेसर हीट होने की वजह ये थी कि कंडेंसर गायर गंदा था और कंप्रेसर भी हीट ट्रिप हो रहा था, इसलिए हो रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।